स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं सेशन फोर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10। ये जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके टर्म टू एग्जाम के लिए, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे चेक पॉइंट, यानी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, देन इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला जो एमसीक्यू है वो देखते हैं, टू ऐड ए न्यू रिकॉर्ड यू कैन यूज इंसर्ट, यानी अगर आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? तो राइट आंसर आपका रिकॉर्ड कमांड यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है, टू डिलीट अ रिकॉर्ड, अगर आपको डिलीट करना हो रिकॉर्ड, ठीक है, यू कैन यूज एडिट, कौन सा कमांड यूज करोगे आप? डिलीट कमांड यूज करोगे। राइट आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर थ्री है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिकॉर्ड्स इन ऑर्डर बाय वन आर मोर फील्ड्स इज नोन एज, अगर आप कोई रिकॉर्ड है उसको अरेंज कर रहे हो, ठीक है, एक ऑर्डर में, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉर्टिंग बोलेंगे, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन फोर है, द सॉर्ट टूल इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स बाय करेंट फील्ड इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड आर लोवेस्ट नंबर टू हाइएस्ट नंबर, इसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग बोलेंगे। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द सॉर्ट टूल्स इज यूज टू सॉर्ट द रिकॉर्ड्स बाय द करेंट फील्ड इन ऑर्डर टू जेड टू ए और हाइएस्ट नंबर टू लोवेस्ट, यानी जेड टू ए मतलब इसको उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे, और हाइएस्ट नंबर से लोअर में जा रहा है तो क्या होगा? ये डिसेंडिंग होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी, डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, आ इज अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स, यानी क्या लिंक करता है टू टेबल्स के बीच में? रिलेशनशिप, सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे सेवन, आ रिलेशनशिप इज वेयर अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इज रिलेटेड टू अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल, क्या होता है इसको? वन टू वन रिलेशनशिप बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर एट है, आ रिलेशनशिप इज वेयर मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल आर रिलेटेड टू द सिंगल रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल, तो क्या हो जाएगा? मैनी टू वन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नाइन है, आ रिलेशनशिप इज वेयर अ सिंगल रिकॉर्ड ऑफ अ टेबल इज रिलेटेड टू मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ टेबल, यानी सिंगल रिकॉर्ड टू अ टेबल टू मल्टीपल रिकॉर्ड ऑफ टेबल, क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे मैनी टू, ठीक है, वन टू मैनी बोलेंगे, नाइन था ना। क्वेश्चन टेन है, आर रिलेशनशिप इज वेयर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आर टेकन और रिलेटेड टू मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल, यानी मल्टीपल मल्टीपल दोनों तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है यहाँ पर। 11 देखते हैं, क्वेश्चन 11 में दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिलो, यानी ये जो आपको इमेज या फिगर दिख रहा है यहाँ पर, ये किस तरह का रिलेशनशिप दर्शा रहा है? यहाँ पर दिया है कस्टमर वन दिया है और यहाँ पर ऑर्डर एन है, तो ये क्या कहलाएगा? वन टू मैनी कहलाएगा, ठीक है, इधर वन है, एन का मतलब ज़्यादा, तो वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ये इधर राइट आंसर। 12 देखते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिलो, ये नीचे किस तरह का रिलेशनशिप है? यहाँ पे एन है और यहाँ पे वन है, ठीक है, कस्टमर एन है और ऑर्डर ये वन है, तो इधर एन का मतलब कि मैनी, यहाँ पे वन का मतलब वन, मैनी टू वन है, ठीक है, तो राइट आंसर है बी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैनी टू वन यहाँ पे नीचे। नेक्स्ट है 13, ठीक है, ये दिया है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज सीन शोन बिलो, नीचे किस तरह का रिलेशनशिप, इधर भी एन है, कस्टमर एन एंड ऑर्डर्स एन, तो इसका मतलब है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, दिस इज द राइट आंसर। 14 है, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इज शोन बिलो, नीचे किस तरह का रिलेशनशिप है, वन इधर भी है, कस्टमर वन एंड ऑर्डर वन, तो इसका मतलब वन टू वन, सी इज द राइट आंसर। नीचे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा दिया है, When applied to one to many relationship, the term parent refers to the many side of relationship since a child may have a many parents, ठीक है, क्या जो child है वो many parents रख सकता है? No, false है। यहाँ पर इसमें भराएगा, referential integrity is the rules state that every foreign key value must match the primary key value of the record in another table or must be null। 17 है, in one to many रिलेशनशिप द प्राइमरी की फील्ड इज द वन साइड ऑफ द रिलेशनशिप। 18 है, इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप द फॉरन की फील्ड इज इन द मैनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप, यहाँ पर मैनी होगा, यहाँ पर वन होगा। 19 है, द रिलेशनशिप
क्या है, सो इज द रिलेशनशिप इज यूज टू क्रिएट व्यू एंड एडिट रिलेशनशिप. जो रिलेशनशिप होता है उसका क्या यूज होता है, क्रिएट व्यू एंड एडिट करने के लिए यूज होता है. लास्ट है, देयर कैन ओनली वन रिलेशनशिप डिफाइंड फॉर अ टेबल. क्या हम एक ही रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं टेबल के लिए? नहीं, ये गलत है, तो फॉल्स होने पर टिक कर दिया मैंने. अब बारी आती है आपके क्वेश्चन आंसर की, वो यहाँ पर नीचे दिया गया है. सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सॉर्टिंग? सॉर्टिंग क्या होता है, हाउ इट इज यूजफुल, और इसका यूज क्या है, किस तरह से यूजफुल है हमारे लिए. सो सॉर्टिंग को सबसे पहले समझते हैं. सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इन टू सम मीनिंगफुल ऑर्डर. सॉर्टिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है डेटा को अरेंज करने का एक मीनिंगफुल ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ वन और मल्टीपल फील्ड वैल्यूज. यानी किसके बेसिस पे, वन और मल्टीपल फील्ड वैल्यू के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी डेटा को अरेंज करते हैं. सॉर्टिंग मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एनालाइज और विजुलाइज डेटा. यानी सॉर्टिंग क्या फ़ायदा करता है हमारा, हम इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं डेटा को देखते ही, एनालाइज कर सकते हैं और विजुलाइज कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज अ रिलेशनशिप इन अ डेटाबेस? हाउ आर रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स यूजफुल? जो रिलेशनशिप है डेटाबेस में वो क्या होता है, और जो रिलेशनशिप और टेबल्स में क्या, मतलब हम बोल सकते हैं क्यों यूजफुल है ये रिलेशनशिप. तो आंसर है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ रिलेशनशिप इज अ लिंक दैट कनेक्ट टू आर मोर टेबल्स. यानी क्या होता है, रिलेशनशिप पे जो डेटा होता है या टेबल्स होता है, ठीक है, वो कनेक्ट होते हैं टू अ मोर टेबल्स में थ्रू सम कॉमन फील्ड. किसके थ्रू, कुछ कॉमन के फील्ड के थ्रू रिलेटेड डेटा जो होते हैं उसके. अब रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इनेबल यूजर्स टू यूज द रिलेटेड डेटा अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स. यानी रिलेशनशिप हमारे क्यों फायदा करता है, ये हमें अलाउ करता है, इनेबल करता है यूजर को कि वो जितने भी रिलेटेड डेटा है ना वो डिफरेंट टेबल में यूज कर सके. इसके लिए रिलेशनशिप का यूज होता है टेबल्स में. नेम द थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कैन बी क्रिएटेड इन ए बेस. तीन तरह का आप रिलेशनशिप के बारे में बताएं जो बेस में क्रिएट किया जा सकता है. तो तीन तरह क्या होते हैं, पहला है व्हाट अ वन टू वन, यानी वन टू वन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप. दूसरा है वन टू मैनी कर सकते हैं, या मैनी टू वन, या मैनी टू मैनी कर सकते हैं. तीन तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप डेटाबेस में या इस बेस में, ठीक है. फोर है, एक्सप्लेन वन टू वन रिलेशनशिप. वन टू वन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है. इन वन टू वन रिलेशनशिप अ रिकॉर्ड इन अ टेबल ए कैन हैव ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल बी. यानी वन टू वन रिलेशनशिप में क्या होता है, जो टेबल ए का जो वैल्यू होगा या कोई डेटा होगा वो टेबल बी से सिर्फ एक ही वैल्यू क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है. उसको बोलते हैं वन टू वन रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैज़ वन टू वन रिलेशनशिप विथ हिज और स्पाउस. मतलब पर्सन कोई व्यक्ति है उसका रिलेशनशिप एक ही हो सकता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर फाइव है, एक्सप्लेन वन टू मैनी रिलेशनशिप. यानी वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है. यानी वन टू वन हम लोग समझ गए कि जो टेबल ए होगा उसमें सिर्फ एक ही मैच करेगा डेटा टेबल बी से. अगर वन टू मैनी रिलेशनशिप होगा इसमें क्या होता है, इन वन टू मैनी रिलेशनशिप अ रिकॉर्ड इन अ टेबल ए, जो रिकॉर्ड होता है टेबल में क्या होता है, कैन हैव मैनी मैचिंग रिकॉर्ड इन टेबल बी. यानी टेबल ए के पास ढेर सारे मैचिंग रिकॉर्ड हो सकते हैं टेबल बी के थ्रू, या टेबल बी में भी दोनों के क्या होते हैं, ज़्यादा डेटा मैच कर सकते हैं, ठीक है. बट अ रिकॉर्ड इन अ टेबल बी कैन हैव ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल ए. लेकिन टेबल बी का जो रिकॉर्ड होगा वो टेबल ए में एक ही मैचिंग रख सकता है. जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल टीचर, यहाँ टीचर टेबल है, तो ये जो टीचर टेबल में है वो टीचर आईडी है, नेम है, तो नेम यहाँ पर है वो एक ही रख रहा है, ठीक है. इस तरह से होता है. नेक्स्ट आते हैं नीचे, तो यहाँ दिया है गिव सम एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप. कुछ एग्जांपल दीजिए वन टू वन रिलेशनशिप पर, तो वो है सम एग्जांपल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप्स आर, पहला स्टूडेंट आईडी फॉर ए स्कूल इज कनेक्टेड टू अ सिंगल स्टूडेंट. जो स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड है, सिंगल स्टूडेंट से कनेक्टेड है. दूसरा, अ ड्राइवर जनरली हैज़ वन लाइसेंस. एक ड्राइवर के पास क्या होता है, जनरली एक ही लाइसेंस होता है.
तीसरा है एन एडिशंस ऑफ अ बुक हैज़ वन पब्लिशर, यानी एक एडिशंस का बुक जो होता है वो एक ही पब्लिशर होता है उसका, ठीक है। फोर है एग्जाम्पल अ कंट्री हैज़ वन कैपिटल, एक देश के पास एक ही कैपिटल होती है, ठीक है। तो इस तरह से वन टू वन रिलेशनशिप आप एग्जाम्पल बता सकते हो। अगर यही एग्जाम्पल बताना पड़े आपको, गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ वन टू मेनी रिलेशनशिप, तो क्या करोगे, अ कार वन एंड इट्स पार्ट्स मेनी, यानी एक कार है और इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ये क्या है, वन टू मेनी है। यानी एक वुमेन है एंड हर चिल्ड्रंस मेनी, मतलब एक वुमेन के पास कितने चिल्ड्रन होते हैं, ढेर सारे चिल्ड्रन होते हैं, तो वे भी बोल सकते हैं हम लोग वन टू मेनी। अ लार्ज कंपनी वन एंड इट्स ऑफिसेस मेनी, यानी एक लार्ज कंपनी है उसके जो ऑफिसेस होते हैं डिफरेंट होते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं वन टू मेनी। लास्ट अ जू वन इट्स एनिमल मेनी, यानी एक जू के पास ढेर सारे एनिमल्स होते हैं, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर दिया गिव सम एग्जाम्पल ऑफ मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या होगा, क्या एग्जाम्पल दे सकते हो, तो है यहाँ पर द मेंबर ऑफ द फैमिली कैन हैव ओन मेनी पेट्स, यानी अगर मेंबर ऑफ फैमिली है आपके, वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पेट्स भी रख सकते हैं, तो ये मेनी टू मेनी हो सकता है। दूसरा है रेसिपी हैव मल्टीपल इंग्रेडिएंट एंड एन इंग्रेडिएंट हैव द बी यूज्ड मेनी रेसिपीज, यानी एक रेसिपी होता है उसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो कई रेसिपी में यूज किए जा सकते हैं। अ डॉक्टर हैज मेनी पेशेंट एंड सम पेशेंट सी मल्टीपल डॉक्टर्स, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज़ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट आर DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट द रिलेशनशिप्स बिटवीन रिकॉर्ड इन अ रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या एक तरह का सिस्टम है या डेटाबेस का रूल्स है जो हमें इंश्योर करता है कि जो भी आप रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो या लिंक कर रहे हो वो एक वैलिड डेटा है या वैलिड टेबल से आप कर रहे हो, ठीक है। एंड दैट यूजर डोंट एक्सीडेंटली डिलीट और चेंजेस रिलेटेड डेटा, और जो यूजर होता है उसको एक्सीडेंटली क्या करता है, डिलीट नहीं कर पाता है उस डेटा को, अगर वो डेटा क्या होता है, वैलिड होता है। तो ये फायदे हैं इस इन्फ्रेंशियल रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, या ये डिफिनेशन होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।